Y15L कट कर देना है ना, फ़ोन कैंसिल का कर देना आज हम है। आपको दो चार सेटिंग बताएंगे। तो गाइस वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं वीवो का मॉडल, पूरा आप अच्छे से देख लीजिए मॉडल क्या है। वैसे फ़ोन थोड़ा काफ़ी ओल्ड हो गया है, बट हम आज आपको दिखाते हैं वीवो। और आपको हम ये भी बताएंगे गाइस कि वीवो Y15L का आइकॉन का कैसे पासवर्ड फॉरगेट करें वो भी दिखाएंगे, और फ़ोन कैसे फॉरगेट करें हम ये भी बताएंगे। तो आपने शायद मॉडल देख लिया, चलिए हम आपको दिखाते हैं अब हम फ़ोन फॉरगेट कैसे करें आपको बताते हैं। तो अब जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे मोर सेटिंग में। उसके बाद से हम मोर सेटिंग में जाने के बाद से अब हम जाएंगे डाटा एरेस बैकअप एंड रिस्टोर। अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन देता है, बैकअप ऑल डाटा या बैकअप डाटा। तो इसमें भी दो ऑप्शन रहता है, फ़ोन फॉरगेट या स्टडी फॉरगेट। तो आपको फ़ोन फॉरगेट होना है तो उस पर सेलेक्ट कीजिए, दोनों पे करना है तो दोनों कीजिए, एनी थिंग इसको ओके करेंगे। और अब इरेज वेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये होने के बाद देखिए अब हमारा हो गया फ़ोन बैकअप एंड रिस्टार्ट। नहीं स्विच ऑफ, अब थोड़ा टाइम लगेगा फ़ोन को खुलने में, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसके लिए, सॉरी 2-3 मिनट लग सकता है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए अब फ़ोन खोलेगा, अब फ़ोन खुल रहा है और थोड़ा सा टाइम जाएगा। आपकी जानकारी के लिए कहीं जाइए नहीं, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए अब हमारा फ़ोन ओपन हो रहा है, ये देखिए अब हमारा फ़ोन ओपन हो गया। अब हम इसमें सेटअप योर फ़ोन, अब हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से हम अब कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो हम कंट्री से उस कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम वाईफाई या डाटा दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से टाइम और सेट डेट करेंगे। उसके बाद से लोकेशन ऑन या ऑफ। उसके बाद से हम विचलेशन, तो आपका फ़ोन हो गया रेडी, फॉरगेट हो गया। अब हम जाएंगे आइकॉन का पासवर्ड कैसे फॉरगेट करें। तो अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं तो हम आराम से फॉरगेट कर सकते हैं हाइड आइकॉन का ऐप डिलीट किए बिना। तो चलिए अब हम जाएंगे हाइड आइकॉन पे, हाइड आइकॉन ना रे वो आइकॉन। और उसके बाद से अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं तो बिना ऐप डिलीट हुए ही हाइड आइकॉन का, अगर ऐप बिना डिलीट किए ही पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे मोर सेटिंग्स में, उसके बाद से जाएंगे हम पिन रिस्टार्ट, उसके बाद से हम जाएंगे रिसेट एंड सेटिंग, रिसेट ऑल सेटिंग। उसके बाद से हम पासवर्ड डालेंगे फ़ोन का, फ़ोन का पासवर्ड डालते ही राइट करेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा वेट लगेगा, फ़ोन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद से फ़ोन ऑफ होने के बाद कोई डरने की बात नहीं रहती है, और फ़ोन वो ऑल सेटिंग कर डिलीट करने की वजह से फ़ोन ऑफ होता है। उसके बाद से फ़ोन खुलेगा तो वैसे ही आपका फ़ोन नॉर्मल ही रहेगा, बट हाइड आइकॉन का पासवर्ड हट जाएगा और ऐप सारा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। गाइस देखिए थोड़ा सा वेट लग रहा है, अभी खुल जाएगा और हाइड आइकॉन का पासवर्ड हट जाएगा। तो आपका फ़ोन खुल गया है, आप चेक कर सकते हैं हाइड आइकॉन का पासवर्ड नहीं रहा और ऐप वैसे ही है। अब हम फिर से पासवर्ड चाहें तो रख सकते हैं, देखिए निकाल सकते हैं, अब पासवर्ड रखेंगे, उसके बाद से ऐप रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जैसी के सामने ही करके दिखा रहे हैं कि आपको पूरा अच्छे तरीके से आ जाए। तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।